तो आप देख पा रहे हैं मैं कटपाड़ी जंक्शन में हूँ। स्टेशन बोर्ड आप देख पा रहे हैं, थोड़ी ही देर में इसी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लालबाग एक्सप्रेस आने वाली है और इसी से मेरी जर्नी होने वाली है। ट्रेन 11 हॉल्ट के साथ 6 घंटे 5 मिनट में चेन्नई से बेंगलोर की दूरी तय करती है। ये जो मेरे पीछे आप एंड देख पा रहे हैं ये सीधा चेन्नई में जाके एंड करता है और यहीं से एक ट्रेन रेणुघंटा से रूट चेंज होके जो ट्रेन रेणुघंटा की ओर चली जाती है और साथ ही फिर वो आगे विजयवाड़ा चली जाती है। ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं सीधा ये बेंगलोर चला जाता है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप देख रहे हैं स्टार्ट टू एंड, और इसके बगल में जो आप प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं वो 2 और 3 है, उसके बाद 4 और 5 है, तो यहाँ कुल 5 प्लेटफॉर्म है। थोड़ी देर पहले यहाँ से हावड़ा पांडेचेरी पास की है, उसमें कई कोचेज थे जो ई कोर जो है अपना जो ईस्ट कोस्टल रेलवे वहाँ के थे और बहुत ही पुराने ICF रैक था। तो ऐसा हो रहा है एक्चुअली इसलिए क्योंकि COVID-19 के लिए जो आपने देखे थे कई सारे कोचेस को कन्वर्ट किया गया था, उनकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, तो जो भी स्पेयर कोच अलग अलग जोन से मंगा के ट्रेन को अरेंज करके फिलहाल चलाया जा रहा है। तो थोड़ी देर पहले इरोड वेब 7 के साथ आज संघमित्रा भी क्रॉस की है। मैंने स्टेशन का ब्लॉग अच्छे से पूरा सब समझा दिया है कि आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, बस से ट्रैवल करें तो ज़्यादा चीप पड़ेगा। और ये फ्लाईओवर ब्रिज आप देख पा रहे हैं जो स्टेशन से बीचों बीच गुजरता है। और आपको ट्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, एक्सप्रेस जो मेरी ट्रेन है ये 6 घंटे 5 मिनट में 11 हॉल्ट के साथ चेन्नई सेंट्रल से बेंगलोर की जर्नी पूरी करती है। अगर आप बेंगलोर में कृष्णराजपुरम उतर जाएंगे तो लगभग 1 घंटा सेव कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णराजपुरम से बेंगलोर जाने में लगभग इसको 1 घंटे लगते हैं और टोटल डिस्टेंस जो चेन्नई सेंट्रल से लेकर बेंगलोर का है वो है 358 किलोमीटर। और ये ट्रेन चलती है सबसे पहले चेन्नई सेंट्रल से, फिर उसके बाद ये ट्रेन रुकती है पेरम्बूर, उसके बाद ये ट्रेन आती है अरकोनम, फिर वजाहर रोड आती है, फिर इसके बाद ट्रेन यहाँ पे स्टॉप करेगी कटपाड़ी, फिर इसके बाद एक कम्बूर स्टेशन है वहाँ रुकेगी, फिर झलारपेट है वहाँ रुकेगी, इसके बाद कुप्पम रुकेगी, कुप्पम के बाद भंगारपेट, फिर कृष्णराजपुरम, फिर बेंगलोर कैंट और फिर बेंगलोर स्टेशन मेन पहुँच जाएगी। की एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर है। ये ट्रेन 3:30 बजे चेन्नई से खुलती है और लगभग 9:30 बजे ये ट्रेन वहाँ पहुँचती है वापस। अब मेरे बगल में बहुत सुपर फास्ट ट्रेन देख पा रहे हैं गुजरती हुई, ये पार्सल ट्रेन है जिसको आप देख पा रहे हैं काफ़ी तेज गति से गुजरती हुई। ये पार्सल ट्रेन राजकोट लोकोमोटिव इंजन इसको हॉल करता हुआ आप देख पा रहे हैं। ये पूरा पार्सल ट्रेन क्रॉस यहाँ पे करता हुआ WAP4 लोकोमोटिव इंजन के साथ। देख पा रहे हैं मेरी ट्रेन काफ़ी तेज स्पीड से चल रही है, थोड़ा सा बाहर दिखा देता हूँ मैं कितनी तेज गति से क्रॉसिंग कर रही है। थोड़ी देर में इसका पहला स्टॉप कटपाड़ी से चलकर आने वाला है ट्रेन, वहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकेगी। और मेरा जो सीट है सीट नंबर 1 है, 1 नंबर सीट आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। देखिए आप चार्जिंग पॉइंट जो VIP सीट होता है जो ट्रेन का 1 नंबर होता है उसे हाथ के पास है चार्जिंग पॉइंट, पर लकीली मेरा फोन पूरा फुल चार्ज है और पावर बैंक भी फुल चार्ज है तो मुझे इसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो ऐसी सीट मिलती नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है हमारे जर्नी के साथ। तो
कोई बात नहीं, अब जैसे अगला स्टेशन आता है मैं बाहर जाऊंगा और फिर आपको अपडेट दूंगा। तो बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा होने को है और अगला स्टेशन अम्बूर आने को है, तो हम इन्जॉय करेंगे अम्बूर। वैसे तो बेंगलुरु में अम्बूर बिरयानी बहुत फेमस है, ठीक है, नॉन वेज की जितनी आप कह लो चीप एंड बेस्ट, मतलब बहुत हाई क्वालिटी नहीं तो मीडियम क्वालिटी अम्बूर बिरयानी बहुत ज़्यादा है बेंगलुरु में। तो चलिए देखते हैं अम्बूर स्टेशन कैसा होता है, आने वाला है थोड़ी देर में, देखेंगे हम भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा। पहली बार बाहर तो प्रयास तो किया मैंने कई बार, पर ध्यान नहीं था कि अम्बूर स्टेशन भी है, पर इस ट्रेन का स्टॉपेज है तब तो ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए ध्यान देंगे थोड़ी देर। साफ सुथरा ट्रेन है लालबाग एक्सप्रेस, काफ़ी सुंदर है यहाँ की व्यवस्था। इलेक्ट्रिक ट्रेन इसको लास्ट ईयर मिला था एलेक्ट्री कोचेज और बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारे कोचेज है। थोड़ी देर में आपको टॉयलेट का भी मैं मुजाहरा करवाऊँगा कि टॉयलेट इस ट्रेन के कैसे हैं, वो सारा कुछ दिखाऊँगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि अम्बूर स्टेशन के लिए कब आए स्टॉप और मैं उतरूँ और फिर मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे पाऊँ। तो ब्लॉग के साथ बने रहें, एंड तक देखें और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। पहली ट्रेन अम्बूर आ चुकी है और ये पहला स्टॉप है कटपाड़ी के बाद, इसके बाद सीधा ट्रेन झलारपेट रुकेगी। ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं है, छोटा सा अपडेट दूंगा। छोटा सा स्टेशन है और यहाँ पे सिर्फ दो प्लेटफॉर्म है जैसा आप देख पा रहे हैं। पीछे आप अम्बूर देख पा रहे हैं, यहाँ पे अम्बूर स्टेशन बोर्ड लिखा हुआ है अम्बूर का, और वहाँ पे एक और छोटा सा प्लेटफॉर्म है। कुल यहाँ पे तीन प्लेटफॉर्म है, बस गाड़ी यहाँ से किसी मोमेंट पे खुलने वाली है। तो यहीं पे इसको छोटा सा अपडेट के रूप में यहीं पे बंद करता हूँ और फिर इसके बाद आपको अगले स्टॉप झलारपेट में दूंगा अपडेट। ट्रेन झलारपेट आ चुकी है और ये सेकेंड स्टेशन है कटपाड़ी के बाद अम्बूर आई थी, अम्बूर के बाद यहाँ, और यहाँ से हम खुलेगी ट्रेन थोड़ी देर में। दोस्तों हमारी ट्रेन झलारपेट आ चुकी है और खड़ी है, आप मेरे पीछे बगल में देख रहे हैं प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म को भी तोड़ा जा रहा है, फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा मलबे नीचे भी गिरे हैं जो शायद अंधेरे में आपको नहीं दिख पा रहे होंगे। बस हमारी ट्रेन यहाँ से थोड़ी देर में खुलने वाली है लालबाग एक्सप्रेस, और बहुत ही सुंदर कोच है यहाँ का। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा हमारा वो होने वाला है कुप्पम, और कुप्पम और भंगारपेट और झलारपेट ये तीनों के बीच में काफ़ी मेमू ट्रेन बेंगलोर से आती जाती रहती है, तो काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी है। फिलहाल लॉकडाउन के कारण सभी पैसेंजर ट्रेन बंद है और उम्मीद है फेस्टिवल सीजन जब 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये सभी पैसेंजर ट्रेन को भी चला दिया जाएगा बाकी रेगुलर ट्रेन के साथ। तो बाकी ये स्टेशन के बारे में आपको मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। साउथ ईस्टर्न रेलवे यहीं से स्टार्ट होता है, इसके बाद साउथर्न रेलवे है और ये तमिलनाडु में स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। जो ट्रेन ईरोड से आती है, कोयम्बटूर से आती है और केरला के इंटरनल पार्ट से, वो यहीं पर आके मेन लाइन में मिलती है जो चेन्नई बेंगलोर मेन लाइन है, और कटपाड़ी के रास्ते आगे अरकुन्नम के रास्ते चेन्नई तक चली जाती है। तो चलिए अगला अपडेट अगले स्टेशन से कुप्पम से मिलेगा आपको। जबरदस्त ट्रेन, बहुत अंदर ट्रेन देख रहे हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है टॉयलेट के अंदर, होल्ड ऑन प्रेस फॉर फ्यू सेकंड्स टू फ्लश दिस टॉयलेट क्यूब विद प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम। तो ये फ्लशिंग सिस्टम है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे थोड़ी देर उसे होल्ड करेंगे तो बिल्कुल ये जो टॉयलेट आप नीचे देख पा रहे हैं झटके से पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। साफ सुथरा टॉयलेट आप देख पा रहे हैं लालबाग एक्सप्रेस में। यहाँ पे मग की भी सुविधा है, जो भी साउथ वेस्टर्न रेलवे और साउथर्न रेलवे है उसके लेन में मग की व्यवस्था होती है, तो इंडियन टॉयलेट्स में ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको सफाई करने में दिक्कत हो जाती है। और आप ये देख पा रहे हैं पूरा स्टील का, ये पूरा ये जो स्टील का बना हुआ है यहाँ
पे आप कुछ अपने कपड़े वगैरह टॉवल वगैरह कुछ ऐसे लगा सकते हैं चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप मीटर देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे कंडीशन में, टॉयलेट बिल्कुल साफ जाम नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा बिल्कुल साफ हो गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे भी ये जैक है, यहाँ पे कपड़ा आप लगा सकते हैं ये एयर को बाहर जाने के लिए है। और यहाँ तीन तरह के लॉक है, पहला ये नॉर्मल लॉक है और ये वाला घुमा के लॉक करने वाला ये लॉकर है, और तीसरा ये हैंडल लॉकर है। और जो नए तरह के कोविड कोशिश बनाए जा रहे हैं उसमें इसको ऊपर कोटिंग की जाएगी इसके ऊपर, जिस कारण से अगर हमारा हैंड इसको छूता है फिर भी वो जल्दी से बैक्टीरिया मर जाएगा। और वहाँ पैर में भी बाहर पर भी लगाई जाएगी हैंडल, तो हम पैर के सारे दरवाज़ा खोल पाएंगे। क्योंकि कोविड होने के बाद क्या चेंज हुआ है कि पॉइंट ऑफ टच वो कम से कम होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आप जब ट्रैवल करें तो हाथों को ज़रूर सैनिटाइज करें, ये हाथों को ज़रूर सैनिटाइजर का उपयोग करें। और फिलहाल मैं जो सैनिटाइज़र यूज़ करता हूँ वो पतंजलि का है सैनिटाइज़र है, जो मैं रिकमेंड करूँगा काफ़ी अच्छा है ये सैनिटाइज़र, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़े देर में जब भी कुछ ऐसा टच करें जैसे ये सरफेस को टच करें या इसको टच करें, तो इस तरह की चीज़ों को तुरंत हाथ धोने, नल है जैसे मुझे हाथ ही धोना है तो जैसे हाथ ज़रूर धोएं, इसके बाद थोड़ा सा सैनिटाइजर यूज़ करें और हाथों को सफाई कर लें। कुप्पम आ चुकी है और मैंने जर्नी स्टार्ट की थी कटपाड़ी से, उसके बाद तीन स्टेशन आए, अम्बूर आया, ढलारपेट आया और ये तीसरा स्टेशन है अपना। ट्रेन यहाँ से 37 ट्रेन यहाँ से रुक के जाती है, कई इंपॉर्टेंट हैं जैसे संगमित्रा वगैरह यहाँ से रुक के जाती है। हमारी ट्रेन बस अब खुलने वाली है, सिग्नल हो चुकी है, ज़्यादा अपडेट यहाँ से नहीं दे पाऊँगा। देख पा रहे मेरे बगल में लालबाग एक्सप्रेस, आज प्लेटफॉर्म इसका चेंज होता हुआ एक, ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जिस पर मैं हूँ इसके जगह पे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर आज 3 पे आ गई है। तो मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, ट्रेन बस 2 मिनट लेट यहाँ पे पहुँच गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जिस स्टेशन पर हूँ कृष्णराजपुरम, ये पहला स्टेशन है बेंगलोर का, यहाँ तक गाड़ी बहुत स्पीड से आती है, इसके बाद जो स्लैक टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको समय बचाना है तो आप स्टेशन पे आप उतर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ से बेलंदूर की, वाइटफील्ड की और मारथली की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तो ये बहुत अच्छी जर्नी मेरी आज रही है। और आपको स्टेशन के बारे में बता दूँ, 143 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती हैं कृष्णराजपुरम में, मतलब बेंगलोर की लगभग कुछ ट्रेन छोड़ के, जैसे दुरंतो है इस तरह की 1-2 ट्रेन छोड़ के, एसी एक्सप्रेस छोड़ के बाकी सभी ट्रेन यहाँ से रुक के जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा। इस तरह की और भी ब्लॉगिंग के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।